डियर पेरेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे एंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार शौर्य भारत पर। फ्रेंड्स, आपको मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि यूपी सैनिक स्कूल ने एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस शुरू हो गई हैं और उस वीडियो में मैंने आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन से संबंधित सभी डिटेल्स बताई थी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यूपी सैनिक स्कूल का ऑनलाइन फॉर्म किस तरीके से आपको फिल करना है, क्या क्या सावधानियाँ रखनी हैं, कहाँ क्या इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन लाइव मैं आपको दूंगी इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सो दैट आपके जो भी फ्रेंड्स रिलेटिव्स यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म भर रहे हैं उन तक भी ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच पाए, राइट? सो फटाफट से शेयर कीजिए और हम पहुंचते हैं डायरेक्ट यूपी सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट upsainikschool.org पर और यहां पर हम सीखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे आपको फिल करनी है। तो ध्यान रहे बच्चों, पेरेंट्स, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है एंट्रेंस एग्जाम 2024-25। इस टैब के ऊपर आपको जाना है। जब आप इस टैब के क्लिक करेंगे आपके सामने एक नई विंडो ओपन होकर के आएगी। इस नई विंडो के राइट पार्ट पर यदि आप देखते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। नाउ आपका सबसे पहला काम है अपने आप का रजिस्ट्रेशन करना। फर्स्ट टास्क है रजिस्टर करना। रजिस्ट्रेशन ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, ईमेल आईडी एंटर करेंगे और कौन सी क्लास के लिए आप एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं वो क्लास यहां से सेलेक्ट करेंगे, सिक्स्थ या नाइन्थ। ध्यान रहे ये जो इन्फॉर्मेशन आप एंटर कर रहे हैं ये परमानेंट इन्फॉर्मेशन है, ये यहीं पर फ्रीज हो जाएगी। आप अपने नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और क्लास में आगे जा कर के जब करेक्शन विंडो ओपन होगी तब भी कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। और यहाँ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स प्लीज बी वेरी केयरफुल, जब आप अपने बच्चे की ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हैं तो प्लीज़ सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो हाथ में हैंडी लेकर के बैठिए। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, राइट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं सब हैंडी हाथ में लेकर के बैठेंगे बिकॉज आपको इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है रिकॉर्ड्स के हिसाब से। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल नाम में लिख देते हैं विनीत, VINIT, और बाद में फ़ोन करके पूछते हैं अरे मैम मेरे तो डॉक्यूमेंट्स में VINEET था, अब मैं क्या करूं? तो बच्चे इन सभी परेशानियों से बचने के लिए फुल प्रूफ काम कीजिए, डॉक्यूमेंट्स हाथ में लेकर के बैठिए और स्ट्रिक्टली उन डॉक्यूमेंट्स में अकॉर्डिंगली ही अपनी डिटेल्स एंटर कीजिए, राइट? तो ये जो फर्स्ट स्टेप है बच्चे रजिस्ट्रेशन करने का, ये मैंने आप सब लोगों के लिए कर दिया है पहले ही। हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जाएंगे कैंडिडेट लॉगिन पर। आप जाइए कैंडिडेट लॉगिन पर, ये हम आ गए लॉगिन पर। अब आप देखो बच्चा, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, चारों फील्ड्स एंटर करेंगे, सबमिट करेंगे, तो आपके पास में एक OTP आएगा। वो OTP डाल करके आप जैसे ही सबमिट करोगे तो आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल नंबर पर एक SMS आएगा, एक मैसेज आएगा जिसमें कि आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो पूरा हो गया है, रजिस्ट्रेशन सबमिट हो गया है और आगे की कार्रवाई करने के लिए आपका एप्लीकेशन नंबर, या ऐसे समझ लीजिए यूज़र नेम बोल दीजिए, एप्लीकेशन नंबर नहीं बोलेंगे हम उसको, यूज़र नेम और पासवर्ड ये है, राइट? तो यूज़र नेम तो यहाँ पर वही है जो आपका मोबाइल नंबर है, मैंने जो अपना डाला था वो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 6220। और पासवर्ड वहाँ पर मैसेज में हमारे सामने आया है, मेरे पास जो पासवर्ड आया है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। ये डिटेल्स डालने के बाद लॉगिन कीजिए।
राइट। देखिए जी, सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। इस डिटेल को चाहें तो सेव कर लीजिए, आपके आगे हमेशा काम आएगी। और अगर आप नहीं चाहते, हर बार एंटर करना चाहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने सेव कर लिए। अब आप देखेंगे बच्चे, जब आपने यहाँ पर लॉगिन किया, आपके सामने एक डैशबोर्ड आ रहा है, उसमें सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे, राइट। फर्स्ट पॉइंट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, वो मैंने आपको बता दिया कि आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और क्लास जिसमें आप एडमिशन चाहते हैं, ये चार इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डाल के रजिस्टर करना है। और आपके मोबाइल पर यूजर नेम और पासवर्ड एसएमएस के थ्रू आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म पर। और मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बताया है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी स्कैंड अपने पास में रखिएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू करने से पहले, बिकॉज ये सभी डॉक्यूमेंट्स बाद में जा कर के अपलोड होंगे, राइट। क्लियर हो गई इतनी बात। और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स में लिखी हुई जो डिटेल्स हैं, सेम वो डिटेल्स आप एंटर कीजिए, फुल प्रूफ काम कीजिए। क्लियर हो गया। तो हम लोग पहुंच गए सेकंड स्टेप पर, हमने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको करना है एप्लीकेशन फीस का पेमेंट। पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन ऑप्शंस हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग या फिर कोई भी यूपीआई ऐप, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के थ्रू आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, राइट। राइट, नेक्स्ट पेमेंट करने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट है आपकी। आप इसका प्रिंटआउट ले लीजिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए, इसको अपने पास में सेव करके रख लीजिएगा। एंड रिमेंबर, प्रिंटआउट अपने पास रखना है, इसकी हार्ड कॉपी आप यूपी सैनिक स्कूल में नहीं भेजेंगे, राइट। यूपी सैनिक स्कूल के पास आपकी डिटेल्स डिजिटली पहुंच चुकी हैं, नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपी। नाउ फॉर्म की लास्ट डेट लेट फीस के साथ 5 नवंबर है। 8 नवंबर से करेक्शन विंडो ओपन होगी, जिसमें कि आप कोई भी अगर डिटेल अपनी चेंज करना चाहते हैं, एक्सेप्ट वो चार चीजें जो आपने सबसे पहले रजिस्टर करते टाइम एंटर की थी, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और क्लास। यहां तक की इंफॉर्मेशन आप सबको आई होप क्लियर है। चलिए अब नीचे आ जाइए एंड मूव ऑन टू प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपके सामने एक फॉर्म आएगा जिसमें धीरे धीरे करके आपको सारी इंफॉर्मेशन डालनी है। एप्लीकेंट आईडी इसमें ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ रहा है, क्यों? क्योंकि जब हमने रजिस्टर किया था, रजिस्टर करते टाइम एप्लीकेंट आईडी अपने आप जनरेट होता है, वो यहां पर ऑटोमेटिकली आता है। और आपने कौन सी क्लास के लिए अप्लाई किया था, ये आ रहा है। हमने अपना नाम डाला था, वो भी आ रहा है यहां पर। तो ये तो बाय डिफॉल्ट आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है बेटा, जहां पर आप ये रेड कलर के स्टार्स देख रहे हैं, ये कंपलसरी फील्ड्स हैं। इन फील्ड्स को एंटर किए बिना आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, राइट। अब देखिए, यहां पर आपको अपना ब्लड ग्रुप ऐड करना है। आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है, एंटर कीजिए। यहां अपना रिलीजियन एंटर कीजिए, यहां नेशनैलिटी डालिए, हालांकि इंडिया के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, बट स्टिल आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। यहां से रिलीजियन हमने सपोज हिंदुइज्म सेलेक्ट किया, और मे बी मैंने अपना ब्लड ग्रुप यहां पर ये ले लिया, राइट। अब स्टेट ऑफ डोमिसाइल, क्योंकि यूपी का बच्चा ही फॉर्म भर सकता है, तो यूपी ही सेलेक्ट करना बेटा, ये गलती मत कर देना यहां पर अदर, डोंट सेलेक्ट अदर। मोबाइल नंबर ऑटोमेटेड यहां पर आ रहा है। अगर कोई सेकंड मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं, तो यहां पर दे लीजिए। ये आपके प्रेजेंट स्कूल का नाम है जहां पर आप अभी एट प्रेजेंट क्लास 5 में पढ़ रहे हैं। कैटेगरी यहां पर डालनी है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, व्हाटसोएवर, अभी जिस क्लास में पढ़ रहे हैं वो यहां पर डालेंगे। फिर आपकी मदर टंग, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, जो भी है वो डालिए। बहुत इंपॉर्टेंट, आधार नंबर अपना कंपलसरी है बेटा, कंपलसरी है, इसके बिना फॉर्म सबमिट नहीं होगा।
देन योर डेट ऑफ बर्थ, और ध्यान रहे डेट ऑफ बर्थ अपने बर्थ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग डालना बेटा, जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट में आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, मैम डेट ऑफ बर्थ तो मेरी ये है, लिखी हुई ये है, मैं क्या करूँ? तो बेटा आप स्कूल में टॉफियाँ कभी भी बांट लो, लेकिन लिखना वही जो डॉक्यूमेंट में है। ईमेल ऑटोमेटेड आ रहा है, आपके फैमिली की एनुअल इनकम यहाँ पर लिखनी है रुपीज़ में, और ध्यान रहे ये नंबर्स में लिखना, शब्दों में नहीं। 1 लाख है तो 100000 लिखोगे, 1 लाख मत लिखना। ये करंट स्कूल का एड्रेस एंटर करोगे, देन यू हैव टू एंटर योर जेंडर, मेल या फीमेल, राइट? इतनी चीज क्लियर है। नेक्स्ट, यहाँ पर स्कूल की चॉइस है। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में, आपको ध्यान है तो, बताया था कि अब 2 सैनिक स्कूल्स यूपी में हैं, एक कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ, और दूसरा यूपी सैनिक स्कूल गोरखपुर। अब यहाँ पर आपकी फर्स्ट चॉइस जो है, अगर वो कैप्टन मनोज कुमार पांडे है तो ऑप्शन ये रहा CMKP, और गोरखपुर है तो यूपी सैनिक स्कूल गोरखपुर। तो फर्स्ट चॉइस अपनी मे बी आपने ये डाली, और ऑटोमेटिकली सेकेंड चॉइस गोरखपुर हो गया। और अगर आप यहाँ पर फर्स्ट चॉइस में गोरखपुर डालते, देन ऑटोमेटिकली आपकी सेकेंड चॉइस जो है वो कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ है। क्लियर? नाउ यहाँ पर आपको देना है अपना एग्जाम सेंटर। आप अपना एग्जाम कहाँ देना चाहते हैं? तो यूपी के 9 सेंटर्स पर एग्जाम है। काउंट कर लूँ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, राइट। आगरा, अयोध्या, बरेली, गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी। इनमें से जो भी आपके चॉइस हैं वो प्रायोरिटी के ऑर्डर में आप डाल दीजिए। सपोज करिए आपके सबसे नज़दीक पड़ता है आगरा, सेकंड चॉइस में भी आपने डाली झांसी, और थर्ड चॉइस आप डाल सकते हैं यहाँ पर में भी मेरठ, राइट? देन फादर का नाम कंपल्सरी फील्ड है, फादर की ऑक्यूपेशन, फादर का मोबाइल नंबर, और आप इधर देखिए फादर का आधार नंबर और ईमेल आईडी डाल सकते हैं, बट मैंडेटरी नहीं है। इस पे स्टार नहीं लगा हुआ ना रेड कलर से, इट इज नॉट मैंडेटरी, हाउएवर आप ऐड कर सकते हैं। सेम फॉर डिटेल्स ऑफ मदर्स, नाम, मदर की ऑक्यूपेशन, गवर्नमेंट सर्वेंट है, प्राइवेट जॉब में है, बिजनेस करती हैं, हाउसवाइफ हैं, सब कुछ डालना, जो भी है वो डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, नाम डालिए, एंड अगेन मदर का भी आधार नंबर और ईमेल आईडी ऑप्शनल है। अब आता है आपका कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। अब इसमें फर्क समझो होता क्या है। कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस मतलब जहां पर आप चिट्ठी पत्री चाहते हैं। सपोज स्कूल से कोई लेटर आए तो कहां आएगा, वो होगा आपका कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस। और परमानेंट एड्रेस जो आपके डॉक्यूमेंट्स में, जो आपके मूल निवास प्रमाण में है या जो आपके डोमिसाइल में है, दैट इज योर परमानेंट एड्रेस। कई बार आपने देखा है ना, सपोज करिए कोई व्यक्ति रहने वाला तो झांसी का है, लेकिन क्योंकि फादर अभी मान लीजिए बरेली में जॉब कर रहे हैं तो बरेली में प्रेजेंटली रह रहे हैं। तो अगर आप अभी बरेली में रह रहे हैं तो कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस वो डालिए, परमानेंट एड्रेस लेकिन वही डाल लेंगे जो आपके डॉक्यूमेंट्स में, राइट? और यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालने के बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस वही है तो यहाँ पर ये सेम वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस एज इट इज परमानेंट एड्रेस में रिपीट हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, और डिफरेंट है तो ये चेक मार्क हटाइए और परमानेंट एड्रेस यहाँ डालिए और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस ऊपर लिखिए। एम आई राइट? मतलब एम आई क्लियर? और कोई भी बेटा कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपके डाउट आंसर कर दूंगी, ठीक है? एंड देन फाइनली द डिक्लेरेशन कि मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन, प्रोस्पेक्टस सब कुछ पढ़ लिया है, एंड आई प्रॉमिस टू फॉलो ऑल क्या नॉर्म्स या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस, और इसको आपको सेव कर देना है, राइट? अब क्योंकि ये मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन बच्चे यहाँ पर एंटर की नहीं है तो ये सेव होगा नहीं, बट यस आप जब पूरी इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे सेव करिएगा। सेव करने के बाद नेक्स्ट स्टेज में ये आपको ले जाएगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड पर। मैंने आपको अभी बताया था फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिएगा और फाइनली वो आपको पेमेंट ऑप्शन पर ले जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI से आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा।
उसका पीडीएफ सेव करके रखिएगा और उसकी बेटा हार्ड कॉपी भी अपने पास में सुरक्षित एक फाइल में रख लीजिएगा, बिकॉज वो फ्यूचर में रेफरेंस के लिए काम आएगी, है ना। बाद में मत कहना कि मैम डॉक्यूमेंट डाउनलोड तो किया था लैपटॉप पर या पीसी पर, वो तो फॉर्मेट हो गया, वो नहीं मिल रहा, प्रिंटआउट मैंने निकाला नहीं था, तो बेटा फिर ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो मैंने आपको बनाया है कि आपको सारी सावधानियाँ मैं अच्छे तरीके से समझा सकूँ। सो होपफुली आपकी सारी क्वेरीज के आपको आंसर्स मिल गए हैं। स्टिल अगर कोई क्वेरी आपकी है तो प्लीज़ उसमें डाल दीजिए कमेंट सेक्शन में बेटा, मैं आंसर कर दूँगी। एंड आई विश ऑल ऑफ यू वेरी वेरी गुड लक, ऑल द बेस्ट फॉर अ वेरी ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।